नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है संगीता होम एंड किचन में। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम बता देते हैं, आज बनाने वाले हैं सूजी का मिल्क केक। तो आइए मैं बनाती हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं घी डाल देती हूँ। तो देख सकते हैं हमने घी ले लिया है, तो 1 कप में घी ले ली हूँ। इसमें डाल देती हूँ। तो हमने सब, आप सबको मेजरमेंट बता देती हूँ। इसी कप से मैंने ये सूजी ले लिया है, रवा, बारीक रवा इसी कप से ले लिए हैं। ये 2 कप है, इसको इधर रख देती हूँ। इसी कप से मैं शक्कर भी ले ली हूँ, 1 कप आधा, आपको जितना पसंद है उतना डाल सकते हैं। तो हमने 2 कप लिया है, तो ये 2 कप एक छोटा आधा आधा कप घी भी ले लेती हूँ। देख सकते हैं हमने एक पहले डाल दिया, एक अभी डाल रही हूँ। तो घी को गर्म होने देते हैं। तो घी हमारा गर्म हो गया, तो इसमें मैं सूजी डाल देती हूँ। तो देखिए मैं ये डाल देती हूँ। तो दोस्तों ये 3 चीज से बहुत अच्छा है, रवा की बर्फी बन जाती है सूजी से। इसको जो नाम देना चाहिए वो नाम दे सकते हैं, रवा मिल्क केक बर्फी दे सकते हैं। वैसे तो दूधे से बनती है, अगर मैं आज ये सूजी से बना रही हूँ। तो इसको तेल छोड़ने तक अच्छे से भूनूंगी, इसको कलर चेंज नहीं होने दूंगी, इसको धीमी धीमी आंच पे इसको मैं ऐसे भूनती रहूंगी। देखिए 4 से 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, से काफी अच्छे से सूजी ये घी छोड़ने लगा है। तो इसको मैं इसी स्टेज पे बंद कर देती हूँ, गैस बंद करके इसको थोड़ी ठंडे होने देती हूँ। इसको चला चला के मैंने ठंडा कर लिया है। इसी में डाल देते हैं मिल्क पाउडर, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो आप कोई भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं, कोई क्वालिटी का। तो मिल्क पाउडर से अच्छा टेस्ट आता है, आप चाहो तो दूध भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, फिर वही लोग मिल्क पाउडर ही डालते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर लेंगी, तो देख सकते हैं। तो जितना ये सूजी था उसका आधा मैंने मिल्क पाउडर ले लिया है, इसको रख देते हैं साइड में। तो हमने जितनी शक्कर ले लिए हैं उतना मैंने चीनी पानी डालूंगी। देख सकते हैं मैं 1 कप आधा शक्कर लिए थे, आधा पानी डाल रही हूँ। तो इसको मैं शक्कर को चाशनी बना लेती हूँ। तो इसको अच्छे से चला चला कर चीनी घूमने तक पका लेती हूँ। तो देख सकते हैं हमने चलाते हुए चीनी को घोल लिया है। तो मुझे थोड़ी कम लग रही है, तो मैं थोड़ी सी और शक्कर डाल के थोड़ा सा पानी डाल दिया है। देख सकते हैं हमने इसको अब थोड़ी सी चिपचिपी होने तक पकाएंगे, इसमें तार नहीं बनाना है। तो इसको इसी तरह से चलाते हुए पका लेते हैं, उबाल आने तक। देख मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो इसको मैंने तार नहीं बना रही हूँ, तो देखिए थोड़ी सा चिपचिपी होना चाहिए। तो इस टाइम पे ठीक है, ये चिपचिपी है हो रही है, देख सकते हैं। इसी तरह से मुझे चाहिए, तो इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो देख सकते हैं हमने उसको इसमें डाल देते हैं गर्मा गर्म। इस टाइम पे गैस एकदम मीडियम है, इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी इसको ऐसा मिक्स करना, इसमें गुठलियाँ नहीं रहना चाहिए,
इसको धीमे धीमे आंच पे सिंग में पकाते रहेंगे। तो देखिए इसको सिलो ही आंच पे पकाना है, तो जिन तेज आंच रहेगा तो ये सूजी फूलेगी नहीं अच्छे से। इसको धीरे धीरे उसे चलाते रहेंगे और इसको पका लेंगे, इसको जमने स्टेज पे पकाएंगे, जमने लायक जब तक नहीं होंगे इसको छोड़ेंगे नहीं, इसे चलाते रहेंगे। तो देख सकते हैं थोड़ी गाढ़ा होने लगी है ये, तो इसी स्टेज पे मैं चला रही हूँ इसको। इसको कम से कम मैंने इसको 7-8 मिनट चला लिया है, तो ये थोड़ी देर में अब गाढ़ा हो जाएगी। इसको इसी तरह से पकाते पकाते मैं इसको गाढ़ा कर लूँगी जमाने लायक। इसमें मैं इलायची पाउडर डाल देती हूँ। ये हमने कूट लिया है, 4 इलायची पाउडर था, ये 4 इलायची था कूट के, इसका पाउडर बना लिया है। आप चाहे तो कोई फ्लेवर डाल सकते हैं मिठाई का, केवड़ा ऐसा डाल सकते हैं, हम इलायची पाउडर डाल रहे हैं। देख सकते हैं अब अच्छे से ये बबल्स आने चालू हो गए हैं। इसको इसी तरह से पकाते रहेंगे, तो देख सकते हैं कई जमने लायक हो गया है। तो इसको मैं चेक कभी कर लेती हूँ एक बार आप लोग के सामने, देख सकते हैं। तो ये एक बार मैंने चेक किया तो ये अभी नहीं जमने लायक हुआ है, देख सकते हैं चिपक रहा है। तो अभी थोड़ी देर में ये मालूम हो जाएगा, इसको ठंडा होने देते हैं। इसको ये चलाते रहेंगे नहीं पकड़ लेगा नीचे से। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये सूजी फूल गई है, देख सकते हैं दानेदार हो गई है। इसको धीमी धीमी आंच पे मैंने इसको अच्छे से पकाया है थोड़ी से टाइम देके। तो इसको थोड़ी सी चेक करने के बाद मैं देख लेती हूँ। तो देख सकते हैं ये अच्छे से ये गोली बन रही है, तो ये इसमें हाथ में ये नहीं चिपक रही है, देख सकते हैं। तो ये रेडी हो गया है, देख सकते हैं। इसको मैं अब थोड़ी सा इसमें घी डालेंगे। तो इसमें थोड़ी सा घी डाल देते हैं हम, ये अच्छे से निकल गया, इधर मैंने ग्रेस करके रख लिया है। तो इसको थोड़ी सा तेज करके आज पकाएंगे हल्का सा। इसको ऐसे पका रहे हैं, ये गर्म हो जाएगा तो अच्छे से बीच में कलर आ जाएगा, ये अच्छे से हीट हो जाएगा। तो इसमें मैं पलट लेती हूँ। तो देख सकते हैं हमने इसको पलट लिया है, तो इसको इसी रहने देते हैं। तो इसको 2-3 घंटे इसी तरह से सेट होने देते हैं। देखिए 4-5 घंटे हो चुके हैं, इसको मैं इसी में कट कर लेती हूँ, ये छोटे छोटे पीस कट कर लेती हूँ। देख सकते हैं अच्छे से जम तो गया है। तो देखिए हमने ये कोई छोटा कोई बड़ा हमने ये कट कर लिया, तो देख सकते हैं कितना अच्छा बना है। तो इसमें कलर नहीं आया है, बारिश हो रही है, 2-3 दिन से ठंडी है, ठंडी पड़ रहा है, इसीलिए से कलर अंदर नहीं आया, नहीं तो कलर भी आता था। तो 3-4 घंटा रखे थे मैं, तो ये बहुत अच्छे से बन गया है। तो मैं सर्व कर लेती हूँ इस प्लेट। तो देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, आप लोग को तोड़ के दिखा देती हूँ, देखिए।
देख सकते हैं एकदम सेम वैसे ही बना है जैसा मिलता है। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो? हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।